Hello students, today we will see a Doppler effect in light. Doppler effect in light. बच्चों आपको याद होगा कि डॉपलर इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी स्टडी की थी, ठीक है। कहाँ पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट? साउंड में पढ़ा था, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड अगर आपको याद हो तो क्या था बेसिकली डॉपलर इफेक्ट? क्या बताता है हमें कि जब भी कभी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रियल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या कहते थे? डॉपलर इफेक्ट कहते थे। वंस अगेन, डॉपलर इफेक्ट क्या है? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा वो रियल फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? डिफरेंट होता है, है ना। इस घटना को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो हर प्रकार के वेव के साथ होता है, ठीक है। तो चूंकि लाइट भी वेव है, साउंड भी वेव था, तो वहां भी हमने डॉपलर इफेक्ट देखा। लाइट भी वेव है तो इसके साथ भी डॉपलर इफेक्ट होगा, ठीक है। बट दोनों के डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एक थोड़ा सा छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई मेजर डिफरेंस उसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले देख लो कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो अगेन डेफिनेशन सेम होगा बेटा। इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर देन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी is different than real frequency, ठीक है। This phenomena is known as, ठीक है बेटा, this phenomena is known as Doppler effect, ठीक है। तो ये तो Doppler effect हो गया बेटा। अब मैंने क्या बोला, Doppler effect क्या होता है? Light में भी होता है, Doppler effect sound में भी होता है। तो Doppler effect in light और Doppler effect in sound, बेटे याद करो तो आपने देखा होगा कि जब मैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड पढ़ा रहा था तो वहां पे बहुत सारे केसेस लिए थे हमने, सोर्स स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स, है ना, सोर्स स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, है ना, फिर सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 केसेस लिए थे। हर एक केसेस में आपको क्या होता था, फॉर्मूला डिफरेंट मिलता था, ठीक है। हर एक केसेस में फॉर्मूला जो है डिफरेंट मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में, इसमें हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जो होता है वो क्या होता है बेटा, एसिमेट्रिक होता है, और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो होता है वो सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है? एसिमेट्रिक कहने का मतलब है कि ये अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केसेस में आपको क्या दे रहा है, अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर एक केसेस में सेम ही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इस सेंस में डॉपलर इफेक्ट इन साउंड और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है,
ठीक है, आगे बात समझ में। तो याद रखना है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड एसिमेट्रिक। यहीं पर इसकी बात करूं तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड और लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट है इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो, चूंकि साउंड का हमने क्या देखा था, छः छः फॉर्मूले आते थे अलग अलग, है ना, तो अभी मैं उसको रिवाइज नहीं करूँगा। ठीक है, अपना काम इसको पढ़ना है अभी, तो इसको देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में, जैसा कि मैंने बोला कि ये डिपेंड नहीं करता कि सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है। हाँ, एक चीज डिपेंड करता है कि वो दोनों पास आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों पास आ रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं, उसमें से कोई एक स्टेशनरी हो सकता है, दूसरा चल सकता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन तो होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि कौन चल रहा है, सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन दो चीजें हो सकती है। एक में क्या हो सकता है कि दोनों पास आ रहे हो, पर एक में हो सकता है कि दोनों दूर जा रहे हो। तो जनरली जो हम लोग डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्स हो गए, सन की जो लाइट है, सन भी एक स्टार है, या अदर कोई स्टार है उससे जो लाइट आ रही है, तो जनरली सोर्सेस के तौर पे हम लोग, है ना, सन हो गया, स्टार हो गया, अदर स्टार्स हो गए, इनको पकड़ते हैं। ठीक है, ओके। तो जनरली हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो स्टार है और हम लोग ऑब्जर्वर हो गए अर्थ पर, तो हमारा जो स्टार है वो हमसे पास जा रहा आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, इस चीज़ पर हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई स्टार हमारे अर्थ के पास आ रहा है तो हम कहते हैं कि जो स्टार है वो अप्रोचिंग है, अप्रोच कर रहा है हम लोग, अप्रोचिंग स्टार। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हमसे स्टार क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो उसको कहते हैं रिसीडिंग स्टार। ठीक है, देखते हैं कि अप्रोचिंग स्टार में क्या फॉर्मूला होगा और रिसीडिंग स्टार में क्या फॉर्मूला होगा। तो अप्रोचिंग स्टार, तो अप्रोचिंग स्टार के केस में मान लो बेटा कि जो सोर्स है, मतलब स्टार है, स्टार का स्पीड है सपोज वी। ठीक है, स्टार का स्पीड क्या है, वी। लाइट की स्पीड क्या होती है, सी। तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्टार या फिर सोर्स हो गया, सोर्स, और सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है बेटा एफ स्क्वायर रूट सी प्लस वी बाय सी माइनस वी। कहाँ से आया ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ इंटू स्क्वायर रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ये है आपका अप्रोचिंग स्टार के केस में। ठीक है, अप्रोचिंग स्टार के केस में अब इस फॉर्मूले को देख करके आप, ये जिसमें एफ क्या है बेटा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी तो देख ही लिया, वी देख ही लिया। ठीक है, और एफ डैश क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया अप्रोचिंग स्टार के केस में। सिमिलरली रिसीडिंग स्टार, मतलब जब वो दूर जा रही है, तो है ना, रिसीडिंग स्टार की बात करें, रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब अवे जाना, रिसीडिंग स्टार। इस कंडीशन में आपको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो क्या होगा बेटा, एफ इंटू स्क्वायर रूट सी माइनस वी बाई सी प्लस वी। ठीक है, सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी, अगेन मीनिंग सबका सेम है। तो आप यहाँ देखोगे बेटा, इससे हम अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ से क्या मिलता है, एफ डैश ग्रेटर देन एफ, और इस पे क्या दिख रहा है बेटा, एफ डैश लेस देन एफ, मीन्स
मीन्स अगर अप्रोचिंग स्टार होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर रिसीडिंग स्टार होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ अप्रोचिंग स्टार ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, और यहां पर इन केस ऑफ रिसीडिंग स्टार ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस डिक्रीजेस। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो बेटा, अगर फ्रीक्वेंस, चूंकि आपको पता है, क्या पता है, VIBGYOR, ठीक है, ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। आपको पता है कि इसमें ये जो है ना, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, वेवलेंथ का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर देखो, फर्स्ट केस में, अप्रोचिंग स्टार के केस में क्या दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा, बोलो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो वेवलेंथ घटेगा तो आप किधर जाओगे बेटा, वेवलेंथ घटेगा तो आप किधर जाओगे, है ना। देखो, ये हायर हायर वेवलेंथ है, नीचे क्या है, लोअर वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम नीचे की तरफ वेवलेंथ हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। वेवलेंथ घटेगा तो अपन ब्लू की तरफ जाएंगे, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, वेवलेंथ जब घट रहा होता है तो ब्लू की तरफ जाओगे ना, तो इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। आगे बात समझ में? तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, तो क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। आगे बात समझ में? इसको क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट। आगे बात समझ में? तो यहां से आपको डेफिनेशन मिलता है किस चीज का, ब्लू शिफ्ट। तो क्या ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, ब्लू शिफ्ट का मतलब हो गया वेवलेंथ का घटना फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कब बढ़ता है, जब स्टार क्या करता है, अप्रोच करता है। तो आपको समझ जाना है कि ब्लू शिफ्ट हो रहा है, दैट मींस अगर आपको बोल दिया कि ब्लू शिफ्ट हो रहा है, तो दैट मींस कि स्टार जो है वो अप्रोच कर रहा है ना, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ब्लू शिफ्ट का मतलब हो जाता है, इफ इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ था ना, इंक्रीजेस और वेवलेंथ डिक्रीजेस डिक्रीजेस, देन इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ठीक है बेटे, और तो ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, ब्लू शिफ्ट इंडिकेट्स इंडिकेट्स अप्रोचिंग स्टार। ठीक है, आगे बात समझ में? सिमिलरली इस कंडीशन में आओ बेटा, तो इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो आप किस तरफ जाओगे बेटा, रेड की तरफ, तो इसको कहते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। तो आपको समझ आ रहा है रेड शिफ्ट कैसे डिफाइन करना है। रेड शिफ्ट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट कहेंगे। इफ
ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है, इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. ओके, तो बेटा रेड शिफ्ट क्या शो करता है? रिसीडिंग स्टार को शो करता है. ठीक है, रेड शिफ्ट इंडिकेट्स, ठीक है, रेड शिफ्ट इंडिकेट्स रिसीडिंग स्टार. रिसीड करना मतलब अवे जाना, रिसीडिंग स्टार, ठीक है, अवे जाना. ठीक है, तो ब्लू शिफ्ट का मतलब स्टार हमारे पास आ रहा है, रेड शिफ्ट का मतलब स्टार हमारे से दूर जा रहा है. याद करने के लिए एक अच्छा तरीका, रेड का मतलब क्या होता है बेटा? खतरा. रेड का मतलब क्या होता है? खतरा. डेंजर सिग्नल, रेड इज डेंजर सिग्नल. डेंजर सिग्नल से क्या हो गया? आप अवे जाओगे, तो क्या हो गया? रिसीडिंग, ठीक है, अवे जाना. और ब्लू शिफ्ट मतलब पास आना. ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो. अब देखो बेटे, जनरली जो स्टार्स वगैरह की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है. ठीक है, स्टार्स वगैरह की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट यानी सी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. देखो, जैसे कि पहले केस में क्या था, एफ डैश इक्वल्स टू एफ स्क्वायर रूट, एफ स्क्वायर रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी था. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैस बाई एफ इक्वल्स टू सी प्लस वी बाई सी माइनस वी का रूट, यानी वन बाई टू लिख सकता हूँ इसको. तो देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सी प्लस वी का वन बाई टू और सी माइनस वी का माइनस वन बाई टू, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें मैं अगर c को कॉमन ले लूँ, ठीक है, c को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वी बाई सी, ठीक है, वन बाई टू. सिमिलरली इसमें से भी क्या कर सकता हूँ, c कॉमन ले सकता हूँ. c कॉमन लूंगा तो वन माइनस वी बाई सी रह जाएगा वन बाई टू. तो ये रूट c, 1 प्लस वी बाई सी का पावर 1 बाई टू, इधर भी हो जाएगा रूट सी 1 माइनस वी बाई सी का पावर 1 बाई टू. ये रूट सी और रूट सी क्या हो गया बेटा, सी हो गया, है ना, रूट सी और रूट सी सी हो गया. अब देखो इधर क्या बचा, 1 प्लस वी बाई सी 1 बाई टू और 1 माइनस वी बाई सी 1 बाई टू, है ना, ऐसा हो गया. अब देखो c, इसमें चूंकि v बहुत छोटा है और c बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख पा रहे हो कि ये 1 से क्या आ जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा. तो यहाँ पर आप बाइनोमियल यूज कर सकते हो. तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ v बाई सी इंटू 1 माइनस हाफ v बाई सी, ऐसा हो जाएगा. तो f dash by f is equals to c into, इसको मल्टीप्लाई करो, वन प्लस v by 2c माइनस, या इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो वन माइनस क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाय फोर सी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. क्या गड़बड़ किया मैंने,
इसको दूसरे तरीके से करें। चलो इसको जरा थोड़ा दूसरे तरीके से ट्राई करते। इसको और क्या लिख सकते बेटा, सी को बाहर लेकर के इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + v/c है ना। और इधर क्या लिख सकता हूँ, सी को बाहर लेकर के 1 - v/c है ना, 1/2। तो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 1 + v/c 1/2 अपॉन 1 - v/c का 1/2, ठीक है, चलेगा। अब देखो f'(f) = इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस है ना, बी बाई सी बहुत छोटा होता है तो एक बाइनोमियल यूज करके b/2c हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 - b/2c। ओके, अब मैं दोनों तरफ अगर 1 से माइनस कर दूँ तो f'(f) - 1, और इधर भी कर दिया 1 + b/2c / 1 - b/2c - 1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, f'(f) / f, और इधर हो जाएगा 1 + b/2c - 1 - b/2c / 1 - b/2c, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। और ये देखो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, तो del f/f, ठीक है, del f/f क्या हो जाएगा, b/2c क्या हो जाएगा, v/c अपॉन 1 - b/2c क्या हो जाएगा बेटा। अब देखो चूंकि v/c बहुत छोटा है ना, 1 के रिस्पेक्ट में ये चीज़ क्या होगा, बहुत छोटा था, आप इग्नोर कर सकते हो, तो इसको इग्नोर कर दिया। तो क्या बचा बेटा, v/c, ठीक है। तो इसको बुक में ऐसा del(ν/ν) भी, फ्रिक्वेंसी को न्यू से भी शो कर सकते हैं ना, तो del(ν/ν) = क्या आएगा, v/c, ठीक है, del(ν/ν) क्या आएगा, v/c। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला जनरली यूज होता है ना वो ये है, ठीक है, del(ν/ν) = v/c, ठीक है, del(ν/ν) = v/c। ये आप बेसिकली यूज करते हो किसके लिए, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के लिए, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, del(ν/ν) = v/c। ये देखो ये किसके केस में था, अप्रोचिंग स्टार के केस में, ठीक है, अप्रोचिंग स्टार के केस में। अगर मान लो आप वो रिसीडिंग स्टार के लिए ही चीज करोगे ना तो उसमें माइनस आएगा, तो मैं एक जनरल फॉर्म बना दे रहा हूँ, प्लस और माइनस, ठीक है, del(ν/ν) = + - v/c, ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। इसी को लेमडा के टर्म में करोगे तो ये हो जाएगा बेटा del(λ/λ) = + - v/c, ठीक है। तो आपको जो इसमें प्लस माइनस है ना उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। सिंपल आप देखना कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में देख रहे होंगे तो आप देखना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब होता है पास आना, ठीक है, चीजें क्या आ रही है, पास आ रही है। तो पास आएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा तो आप किधर जाओगे, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पास आना मतलब ब्लू शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना और वेवलेंथ का घटना। सिमिलरली लेमडा वाले में देखोगे तो लेमडा देख लेना घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस बस यही दिखाता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। मान लो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, डेल लेमडा पॉजिटिव कब होगा, जब लेमडा बढ़ा होगा, है ना, नेगेटिव कब होगा, जब लेमडा घटा होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ये बढ़ने या घटने को शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में डेल लेमडा पॉजिटिव कब आएगा बेटा, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा। डेल लेमडा नेगेटिव कब होगा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी घटा होगा। ये प्लस माइनस बढ़ने घटने को शो करता है, ठीक है, बढ़ने और घटने को शो करता है। और उस बढ़ने घटने से आप उसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में माइंड में कन्वर्ट कर सकते हो, और उससे आप देख सकते हो कि जो स्टार है वो पास आ रहा है दूर जा रहा है, तो अप्रोचिंग स्टार होगा या रिसीडिंग स्टार होगा, रेड शिफ्ट होगा या ब्लू शिफ्ट होगा, ये देखने में आपको मदद मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही यूज होता है बेटा, ये
बहुत कम यूज होता है, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। ये तब यूज होता है जब आपका स्टार का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो तब। लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो, मतलब सोर्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में अपन यही यूज करते हैं जनरली। आगे बात समझ में? तो डेल यू बाई न्यू इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी, डेल लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी। तो इसमें आपको कभी ये दे दिया है कि चेंज इन वेवलेंथ इतना है, ओरिजिनल वेवलेंथ इतना है, ठीक है, तो बताओ कि स्पीड ऑफ स्टार क्या है, तो यूज कर लो वी बराबर आ जाएगा। या चेंज इन फ्रीक्वेंसी दे देगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा कि वी बताओ कितना है, निकल जाएगा। या आपको ऐसा बोल देगा कि किसी स्टार से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ मान लो 1000 एंगस्ट्रॉम है ना, उसको अर्थ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि 1005 एंगस्ट्रॉम शो कर रहा है। तो देखो डेल न्यू के, डेल लेमडा क्या हो गया बेटा, 5 एंगस्ट्रॉम का हो गया, ओरिजिनल कितना था 1000, तो इसमें रखेंगे तो हमको मिल जाएगा कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का यूज करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है अच्छे से, और एक दो एग्जाम्पल्स होंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय।